जब दो सहेलियों को हुआ आपस में प्यार तो परिवार बना दीवार। शादी करना चाहती है दोनों सहेली लेकिन परिजनों को नहीं है मंजूर। प्यार ऐसा कि दोनों भाग कर चली गई दिल्ली, परिजन ने लगाया अपहरण का आरोप। प्यार अंधा होता है, प्यार में ना कोई जाति ना धर्म और ना ही उम्र की कोई सीमा और बंधन होती है। ऐसे तो एक लड़के और लड़की के बीच इश्क और मोहब्बत होना आम बात है और अक्सर आपने प्रेम प्रसंग की ऐसी कई खबरें सुनी होगी जिसमें शादी करने के मकसद से प्रेमी और प्रेमिका घर से भाग गए हो। लेकिन बिहार की राजधानी पटना से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसे आप सुनेंगे तो यकीन नहीं करेंगे। बिहार के पटना में दो सहेलियां घर से इसलिए भाग गई क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करती है और दोनों एक साथ जीवन बिताना चाहती है। लेकिन जब ये बात उनके घर वालों को पता चला तो उनके घर वालों ने क्या किया और क्या है पूरा मामला हम वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए ये वीडियो कि दोनों लड़की क्या कह रही है। और ये धमकी दिया जा रहा मेरे मामा और मेरे चाचा के साइड से कि इस हम लोग अगर मिल गए तो हम लोग को मार दिया जाएगा और इसके फैमिली को भी बहुत गंदा टॉर्चर किया जाएगा। आखिर क्यों आप दोनों लड़की हैं? हाँ, इसलिए क्योंकि हम लोग को साथ रहना है और हम लोग दोनों लड़की हैं तो ये लोग कह रहे हैं कि हम तुम लोग को साथ नहीं रहने देंगे। शादी तो करना चाहते लेकिन अभी ये लॉ में नहीं आई है। 2018 में ये पिटीशन फाइल हो चुकी थी, जो नवजीत सिंह जौहर ने पिटीशन फाइल करी थी वो पास हुई है। हम लोग साथ सेम सेक्स वाले रह सकते ये पिटीशन में लिखा हुआ है और इसके आधार से शादी तो अभी नहीं कर सकते लेकिन हम लोग वेट कर सकते और साथ में रह सकते और रहना भी चाहते हैं और इसमें हम लोग को कोई नहीं रोक सकता। दरअसल ये पूरा मामला दो लेस्बियन लड़कियों का है जो नोएडा से आई और सीधे महिला थाना पहुंची लेकिन वहां उनका मामला दर्ज नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने एसएसपी आवास का रुख किया और उनसे मिलने की गुहार लगाई। दरअसल ये दोनों लड़कियां एक साथ रहना चाहती है लेकिन उनके परिवार वाले उन्हें साथ नहीं रहने दे। पाटलिपुत्रा इलाके की रहने वाली युवती तनिष्क श्री के घर वालों को जब दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने उसके अपहरण का एक मामला पाटलिपुत्रा थाने में दर्ज कराया। आरोप लगाया कि तनिष्क की दोस्त श्रेया के परिवार वालों ने उसका अपहरण कर लिया है जिसके बाद ये दोनों लड़कियां पटना महिला थाना पहुंची और बताया कि एक साजिश के तहत हमें फंसाया जा रहा है, हमारे परिवार वाले हम दोनों के रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जान को खतरा है। वहीं श्रेया घोष का कहना है कि हम 18 प्लस हैं, यानी हम बालिग हैं और हम दोनों लड़कियां एक साथ रह सकते हैं, सरकार ने हमें ये छूट दी है। लेकिन मेरी मित्र तनिष्क श्री के परिवार वालों ने मेरे परिवार पर ये आरोप लगाया है कि मेरी बेटी का अपहरण हो गया जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं दूसरी ओर तनिष्क श्री का कहना है हम अपनी दोस्त श्रेया घोष के साथ ही रहना चाहते हैं और अगर हम घर वापस गए तो मेरे परिवार वाले मुझे मेरे मित्र और मेरे मित्र के परिवार को मार डालेंगे लेकिन कोई जोर जबरदस्ती किसी के द्वारा मेरे साथ नहीं की गई। मैं अपनी मर्जी से अपनी मित्र के साथ रहना चाहती हूँ और पुलिस से यह सहायता चाहती हूँ कि वो हमारी जान की रक्षा करे। बता दें कि भारत सरकार ने समलैंगिक को मौलिक अधिकार मानते हुए इस कानून को कब का पास कर दिया, इसे आपराधिक श्रेणी से हटा दिया गया है। इसलिए यदि सेम लिंग के दो लोग अगर साथ रहना चाहते हैं तो उनको साथ रहकर जीवन बिताने का अधिकार मिल सकता है। था जब से हमारे बारे में पता चला था तब से मेरे घर पे बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, मेरे से फ़ोन वोन सब कुछ छीन लिया गया था, मेरा घर से बाहर निकलना बंद हो गया था। तो एक दिन ऐसे ही मेरे पेरेंट्स जा रहे थे मूवी देखने तो हम भी बोले कि हम भी चलेंगे। हम ये सोच के निकले थे कि हम इसके साथ चले जाएंगे, इस बारे में इसको और इसकी फैमिली को पता नहीं था। हम अपने मर्जी से किए जो किए, हम इसको फ़ोन किए एक स्टाफ के नंबर से, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था सिम भी नहीं था तो हम एक स्टाफ के नंबर से इसको कॉल करके बुलाए कि आओ ऐसी ऐसी बात है। ये आई बट ये मेरे को समझाने आई थी ऐसा नहीं है कि हमको ये लेके गए ज़बरदस्ती, हम अपने मर्जी से कि हम फोर्सफुली इसको बोले कि हमको जाना ही जाना है इसलिए हम इसके साथ निकले उस दिन। मेरा बस यही परेशानी है कि हमको इसके साथ ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए हमको इसके साथ ही रहना है। अगर हम घर पे गए तो मेरा घर वाला हमको और इसके फैमिली को और इसको सबको मार देगा। क्या नाम? मेरा नाम है तनिष्क श्री। बोले मेरे गार्जियन मेरे चाचा जी विशाल वर्मा और मेरे मामा अंबर कश्यप ये केस किए हैं इसके फैमिली पे कि हमको किडनैप किया गया, बट ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने मर्जी से गए हैं, कुछ किडनैपिंग नहीं है। और ये धमकी दिया जा रहा मेरे मामा और मेरे चाचा के साइड से कि इस हम लोग अगर मिल गए तो हम लोग को मार दिया जाएगा और इसके फैमिली को भी बहुत गंदा टॉर्चर किया जाएगा। आखिर क्यों आप दोनों लड़की हैं? हाँ, इसलिए क्योंकि हम लोग को साथ रहना है और हम लोग दोनों लड़की हैं तो ये लोग कह रहे हैं कि हम तुम लोग को साथ नहीं रहने देंगे। शादी तो करना चाहते लेकिन अभी ये लॉ में नहीं आई है। 2018 में ये पिटीशन फाइल हो चुकी थी, जो नवजीत सिंह जौहर ने पिटीशन फाइल करी थी वो पास हुई है। हम लोग साथ सेम सेक्स वाले रह सकते ये पिटीशन में लिखा हुआ है
और इसके आधार से शादी तो अभी नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग वेट कर सकते और साथ में रह सकते और रहना भी चाहते हैं, और इसमें हम लोग को कोई नहीं रोक सकता, और ना ही मेरे घर वाले के कंसर्न है और ना ही इसके घर वाले के कंसर्न है। हाँ, पर जब ये मेरे को बुलाई थी PNM कि आओ अभी आओ और मेरे को निकलना है, तो मुझे इस एज अ पार्टनर मेरे को जाना पड़ा, ये मेरा ड्यूटी था, तो मैंने उधर गया और फिर इसने बोला कि मुझे अभी के अभी निकलना है, तो मैं उधर से इसको लेके निकल गई। बट अब इधर बात आ रही है कि इसके फैमिली वाले जैसे अंबर कश्यप इसके मामा हुए और विशाल वर्मा जो कि चाचा हुए, उन्होंने मेरे फैमिली के ऊपर किडनैपिंग रन हुआ है और उसमें मेरी माँ भी उनकी बेटी का तनिष्क श्री का, लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं है, हम लोग 18+ है और हम लोग का पूरा अधिकार है साथ रहने का, तो इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं है और हम लोग अपने मर्जी से गए हैं बस। आपका नाम? मेरा नाम श्रेया घोष हुआ और मैं इंद्रपुरी रोड नंबर 0 केसरी नगर से हूँ। आप लोग पुलिस से क्या सपोर्ट चाहते हैं? पुलिस से यही सपोर्ट है कि हम लोग की जान को खतरा है, काफ़ी बार कॉल करके इसके मामा अंबर कश्यप और विशाल वर्मा हम लोग को धमकी दिए, और एक और कोई दीपक नाम के लड़के कंटिन्यूसली हम लोग को कॉल करते गए, धमकी देते गए इसीलिए। और इसके जैसे कि ये मेरे को बताई है, हम लोग 5 साल से जानते हैं, हम लोग की फ्रेंडशिप 5 साल पहले हुई थी। हाँ, 5 साल पहले से हम जानते हैं एक दूसरे को और एक कॉमन फ्रेंड है हम लोग की, इनफैक्ट तनिष्क की, उसके द्वारा हम लोग मिले हैं, हम लोग काफ़ी अच्छा फ्रेंडशिप था, घर आना जाना भी होता था, लेकिन फ्रेंडशिप इसीलिए चेंज हुआ, हम लोग क्लोज आ गए काफ़ी एक दूसरे से, और इसकी मदर नहीं है जैसे कि इसको सपोर्ट चाहिए था, हम काफ़ी सपोर्ट किए हैं, इनके तरफ से भी मेरा सपोर्ट हुआ है, तो इसी वजह से ऐसे करके हम लोग का रिलेशन बिल्डअप हुआ। यस।